डिस्टर्ब करेगी और उससे इश्यू स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह वो इश्यू तो स्टार्ट हो जाएंगे, फिर उसकी डेथ कॉज हो सकती है। इसलिए COVID-19 पेशेंट के हम लोग डाइट प्लान सबके डिफरेंट होते हैं। मेरे पास 5-6 ऐसी फैमिलीज आई थी जिनको सबको COVID-19 था, इवन 6 महीने की बच्ची को भी COVID-19 था। तो उस बच्ची का भी डाइट प्लान डिफरेंट था कि इस बच्ची के लिए हमने इम्यून सिस्टम अच्छा करना है। बच्चों जो चीज़ आप लोगों को नहीं आती ना, आप लोग पूछ लिया करो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, समटाइम मुझे भी कुछ ऐसी चीजें नहीं आती। हाँ, अभी भी हम पढ़ रहे हैं, अभी भी हम प्रोफेशन में आगे जाना है, अभी भी हमने और डिग्रीज लेनी है। डजंट मीन कि अभी हमारा स्टॉप हो गया, अब हमने कुछ नहीं करना, नहीं, अभी भी हमने बहुत कुछ सीखना है। इवन मेरे सामने मेरे स्टूडेंट मुझे कहेगी ना, मैम ये चीज इसमें ऐसी है, तो मैं सोचूंगी इसने ऐसे क्यों बोला, इससे कैसे पता, मैं भी देखती हूँ क्या चीज है। न्यू रिसर्च, न्यू आर्टिकल्स मेरे सामने कोई बात करता है तो मैं भी देख रही होती हूँ, ओके मुझे भी बताएं क्या है। तो इसमें आपकी कोई रिस्पेक्ट या रेपुटेशन खराब नहीं होती, इवन आपका नॉलेज गेन होता है। तो नॉलेज गेन करने के लिए आप कहीं भी जाओ, आपको एक पॉजिटिव वे में रहकर आपको हर चीज सीखनी चाहिए, ठीक हो गया। इसी तरह हमने उनको गाइड करना है, आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हैं तो आपका लाइफ स्टाइल के अंदर, आपके डाइट प्लान के अंदर कौन कौन सी हमने चीजें लानी है, ठीक है। आपकी फैमिली में किसी को भी हार्ट डिजीज होगी, किसी को भी डायबिटीज का इश्यू होगा, किसी को बीपी का इश्यू, किसी को भी किडनी फेलिंग का इश्यू होगा, किसी को भी लीवर का इश्यूज हो सकता है। तो हम लोगों ने सिंपल सा, स्टमक के तो इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा लोगों को पता है कौन कौन स्टमक के इश्यू हैं। कहते हैं ग्रीन टी पी के हमें गर्मी लगना शुरू हो जाती है, ग्रीन टी पी के हमें हम गर्म हो जाते हैं, ग्रीन टी पी के हमें ये इश्यूज हो जाते हैं। उनकी मिथ है, एक माइंड में बात चीज सेट की हुई है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आज क्या मैंने सोचा कि आज गर्मी है, मैं ग्रीन टी पीऊँ या नहीं पीऊँ। मैंने ग्रीन टी ऑफिस में पी ली तो मैंने थोड़ी बार सोची मुझे गर्मी क्यों लग रही है, और वाकई सच में मुझे गर्मी लगना शुरू हो गई। थिंक है ना, एक हमने यहाँ सोचा और पी लिया, बाद में अप्लाई किया, सोचा और हमें वो चीजें होंगी, एक थिंक है, ठीक है। अगर आप ओवर थिंक करोगे आपको पॉजिटिव चीज मिल सकती है, आपने आप हर टाइम नेगेटिव सोचते रहोगे आपको नेगेटिव चीज मिलेगी, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, छोटी सी एग्जाम्पल आप लोगों को दिया है कि मैंने ग्रीन टी क्यों पीने से पहले मैंने सोचा आज गर्मी है मुझे गर्मी ना लगे, मैंने पी मुझे वाकई गर्मी लगी ग्रीन टी पी के। अब बंदा एसी वाले रूम में ग्रीन टी पी रहा, सुबह में पता चला मुझे गर्मी लग रही है, कैसी मिथ है, माइंड क्लियर हुआ है ना। इसी तरीके से अब आप डायबिटीज कार्डियोवैस्कुलर डिजीज किस पेशेंट को होगा, जिससे जिसका बाईपास हुआ हो, या जिसको ट्रीटमेंट करवा रहा हो, या वो मेडिसिन टेक करवा रहा हो, तो हमने हमने उनका काउंसलिंग करनी है, हमने डिटेल में उनको बताना है कि आपको ये इश्यूज हैं, हम आपको बताते हैं, ठीक है। अब जिन लोगों को एसिडिटी का इश्यू होता है, वो कहते हैं हम लोग ग्रीन टी नहीं पी सकते। क्यों नहीं पी सकते? ग्रीन टी पीने से आपका मेटाबॉलिज्म रेट इंक्रीज होगा, आपका इम्यून सिस्टम हेल्दी होगा, आपके बैक्टीरिया वगैरह गट वगैरह हेल्दी होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, आपको डायबिटीज का इश्यू है, चाहे हार्ट का इश्यू है, आप ग्रीन टी पी सकते हो, लेकिन आपकी डाइटेशन एंड न्यूट्रिशन आपको रिकमेंड करेगी तो आप लोग इंटेक करें, ठीक हो गया। फिर उसके बाद ग्रीन टी के इतने फेवर्स, मतलब के टेस्ट आ चुके हैं, जो मर्जी आपको जो अच्छा रहता है वो टेस्ट अप्लाई कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मुझे जिंजर प्लस हनी बहुत फेवरेट है, वो मैं इंटेक कर रही हूँ। अब लाइक फॉर एग्जाम्पल, जिस पेशेंट को मैंगो मना है, लाइक फॉर एग्जाम्पल जिसकी डायबिटीज 500-600 है, तो वो कहे मैंने मैंगो खाना है, हम उसे ग्रीन टी मैंगो वाली दे सकते हैं टेस्ट के लिए, लेकिन वो भी हार्मफुल हो सकती है, आर्टिफिशियल है वो चीज, लेकिन अगर टेम्परेरी आप यूज करने के लिए उस चीज को, सैशे को यूज कर सकते हो। लेकिन मैंने जो खुद के लिए मैंने अपनी ग्रीन टी रखी हुई है, वो इजिली मैं यूज कर रही होती, मैं इंटेक कर रही होती हूँ। अल्सर पेशेंट को हम लोग ग्रीन टी नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते? उसका ट्यूमर वगैरह, उसका स्टमक में इश्यूज वगैरह, बेटा हर किसी का केस, हर किसी की चीजें डिफरेंट होती हैं। अब मैंने ये नहीं कहा कि हर कोई यूज कर सकता है, अब मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। अब आप मुझे डिजीज बताओगे, इश्यूज बताओगे, फिर मैं बताऊंगी इसे रिकमेंड कर सकते नहीं कर सकते। एक पेशेंट बेड रेस्ट पे, मैं उसे खाने के साथ ग्रीन टी पिलाई जा रही हूँ, क्या उसके लिए अच्छा होगा? बिल्कुल नहीं अच्छा होगा, क्यों नहीं होगा? एक हम उसे एक रिमेंड में हर चीज वो स्टमिक क्या उसे एक्टिव कर देंगे? नहीं, हमने स्लो रखना है, एक्टिव नहीं करना। वो बेड रेस्ट पे रह कर लो कैलोरीज ले के उसके अंदर एनर्जी रहे, ठीक है। रात को जब हम लोग सोते हैं तो हमें एनर्जी की जरूरत होती है, तो हमारे स्टमिक के अंदर चीजें होती हैं। अगर हम ओवर वेट हैं तो हमने उनको कहना है कि अगर आपने चपाती खा लिए तो उसके बाद ग्रीन टी पी के सोएं, ताकि आपको कैलोरीज जल्दी से जल्दी आपकी कैलोरीज यूज हो सके, आपके स्टमिक के अंदर स्टोर ना हो सके, ठीक हो गया।
फिर उसके बाद हमने कार्डियो मोस्ट कॉमन CHD इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज. ये इतनी ज्यादा हार्ट डिजीज कॉमन क्यों है? ये कॉमन इसलिए है, लोगों का लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, उनका कोई फिजिकल एक्टिविटीज नहीं है, जो मिला वो खा लिया. मेल्स के अंदर ये इशू क्यों ज्यादा होता है? मेल्स की कैलरीज फीमेल से ज्यादा होती है. कहने को वो बहुत एक्टिव होते हैं, वो बाहर जाते हैं, वो उनका इंटेक अच्छा होता है, लेकिन जब वो बाहर की चीजें वगैरह एक्स्ट्रा खाते रहेंगे, फिर घर आके खाना खाएंगे, फिर दूध पीकर सो जाएंगे वो मेल, तो उसका एक पेट यहाँ कहाँ, उसका पेट यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगा, और उसका पहले उसका पेट आया फिर वो आएगा. वो बंदे की रूटीन ही यही होगी, बस खाना पीना बैठना सोना. तो ये रूटीन सुनकर बंदे खुद होता है कि इतनी रूटीन इसकी खराब है, तो इसे सेट कैसे करेंगे? स्लो 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 करेंगे, ठीक हो गया. लाइक फॉर एग्जाम्पल, कल मेरे पास मेरी पेशेंट आई थी 2 वीक, उसने मुझसे डाइट प्लान लिया था, तो मैंने उसे डाइट प्लान दिया, तो वो फॉलोअप के लिए वापस आई मेरे पास, तो मुझे कहते मैं अपना वेट चेक करना है. मैं तो ओके कर लिया. उनका वेट 78 था, मेरे पास हिस्ट्री पड़ी थी, मैंने फॉर्म ओपन कर लिया, मैं कहा राहत का फॉर्म ओपन करो, मैंने अपने स्टूडेंट को बोला, उन्होंने ओपन किया, उसका वेट 78 था, जब उसने कल मेरे सामने किया उसका 73 था. वो इतनी हैप्पी हुई, कहती मेरा 3 साल से वेट कम नहीं हो रहा था, आपने किस तरह कम किया? मैंने उसे बस यही कहा कि मैंने आपका स्टेप बाय स्टेप हर चीज को फॉलो करवाया, आपने वो किया. उनके साथ हस्बैंड थे, वो मुझे कहते ये दूध पत्ती अभी भी नहीं छोड़ रही, चाहे वो दूध पत्ती वाली, तो मैं कोई बात नहीं कम किया. कहती हाँ जी पहले पूरा मग पीती थी, अब हाफ कर दिया. मैंने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप एक वक्त आएगा खुद छोड़ दो, आप कहोगे मैं फिट लगने लग गई, मैं अच्छी लगने लग गई हूँ, अब डॉक्टर कहला कि मैंने हर चीज को फॉलो करना शुरू कर देना है. तो स्टेप बाय स्टेप इतना जरूरी है हर लाइफ के अंदर, हर स्टेप, हर जिंदगी के हर पोर्शन के अंदर, हर चीज को आपने पोर्शन के साथ साथ और स्टेप के स्टेप बाय आपने फॉलो करना है. ठीक हो गया बच्चों? तो इसी तरह हम लोगों ने कार्डियोवास्कुलर डिजीज की, अब अपने हम भी डिजीज के पास आते हैं. हमारी जो डिजीज है कार्डियोवास्कुलर डिजीज, उसके मेन जो मेजर सोर्सेज हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज के, उसके अंदर ओमेगा 3 ओमेगा 6 वाली फूड सोर्सेज वगैरह हम लोगों ने देने हैं. सीड्स वगैरह, वेजिटेबल ऑयल के अंदर हम लोग कॉर्न ऑयल, कनोला ऑयल, कनोला ऑयल और वेजिटेबल्स ऑयल, इनको उनकी डाइट के अंदर सीड्स ऑयल हमने ऐड करवाने हैं. सोयाबीन्स के कर सकते हैं, फैक्स सीड्स के कर सकते हैं, वॉलनट्स के कर सकते हैं, उसके बाद फैटी फिश उनको दे सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर ओमेगा 3 ओमेगा 6 अच्छी रिच फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होंगे. अगर उसकी डाइट के अंदर उसके अंदर हम डाइट प्लान बताएंगे उनको, फिजिकल एक्टिविटी बताएंगे, टाइमिंग बताएंगे, उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज कर देंगे, तो उनको वो डिजीजेस लेस होंगी, लेकिन कम नहीं होंगी. लेकिन जब वो लेस होना शुरू होंगी, तो उनका डाइट प्लान भी चेंज होना शुरू हो जाएगा. पहले उनका डाइट प्लान के अंदर हमने कैलोरीज फॉर एग्जांपल उनको 1500 दी थी, नेक्स्ट टाइम हम लोग थोड़ी ज्यादा कर देंगे, ताकि वो उनका हमने मेंटेन भी करना है. अगर एक पर्सन पहले से अंडरवेट है, उसका कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, तो हमने उसका एक हेल्दी वे में रहकर उनका थोड़ा सा वेट गेन करवाना है, ताकि उनका हार्ट अच्छी तरीके से रिपेयर हो सके. जो उन्होंने बाईपास करवाया हुआ है, तो उनके जहाँ पे स्टिचेस लगे हुए हैं, वो रिपेयर हो सके. जब कार्डियोवास्कुलर डिजीज बाईपास वगैरह होते हैं हार्ट के, आप लोग पता है पूरा वो सीना ओपन करते हैं, देखते हैं, हर चीज हिलाते हैं, इवन लम्स वगैरह भी उनके हिलते हैं. फिर जाकर उनका ऑपरेट होता है, ये ऑपरेट पूरा 8-10 घंटे का होता है जो डॉक्टर्स कर रहे होते हैं. तो उसके बाद उनका हार्ट वगैरह देखते हैं, फिर उसका सारा सिस्टम सही करके फिर उनको बंद कर देते हैं, स्टिचेस लगा देते हैं. वो इंसान उनको हम लोग ऐसी एक्सरसाइज भी करवाते हैं, लम्स वाली एक्सरसाइज करवाते हैं, पंपिंग वाली. वो पूरी मशीन होती है और वो पंप कर रहे होते हैं के सांस के लिए, ताकि वो इजीली सांस ले सके, उनको कोई इश्यू ना हो सके. ठीक हो गया? तो इस वजह से उन लोगों को पंप करवाते हैं कि उनका हार्ट अच्छी तरीके से पंप हो सके. हार्ट हमारा इस जगह पे नहीं है. जब भी किसी पेशेंट को बाईपास, जब उनको हार्ट की पेन वगैरह आती है, वो यहाँ से क्यों चीजें पकड़ता है? वो यहाँ से चीजें इसलिए पकड़ता है, यहाँ पे हार्ट को प्रेशर पड़ रहा होता है, उनकी वेन्स वगैरह सारी खींची जा रही होती है, वो यहाँ से चीज पकड़ता है, अपना हार्ट को नहीं पकड़ता, वो अपने मसल्स को पकड़ता है, अपनी वेन्स को पकड़ता है. ठीक है? और जब वो उस पेशेंट को, जब वो उसे इश्यूज हो रहे होते हैं, तो उसे लटाते हैं, तो यहाँ से पंप कर रहे होते हैं. हार्ट हमारे लम्स के नीचे का क्या है, वो फिर उसे दबा रहे होते हैं. इंसान बाहर से जितना मर्जी बड़ा लगे, लेकिन उसके ऑर्गन इतने इतने ही हैं, जितने अल्लाह ताला ने जितना जितना उनका साइज बनाया हुआ है. ठीक है? लाइक फॉर एग्जाम्पल लीवर का 3 पाउंड हमारा वेट है. जब उनको फैटी लीवर, कैंसर लीवर उसे कॉज हो रहा था, उसका कितना पाउंड वजन बढ़ जाता है? 11 पाउंड. उसका 11 पाउंड उसका वेट बढ़ जाता है लीवर का, जिसकी वजह से उसका पेट की शेप भी चेंज हो जाती है. पेट की शेप उसकी एग फॉर्म के अंदर आना शुरू हो जाती है. ठीक है? वो एग फॉर्म के अंदर उसकी आईज और सारे साइन एंड सिम्टम हमें शो हो रहे होते हैं. जी बेटा,
फिर उसके बाद हम लोग देख रहे होते हैं कि अब हमने जो क्वेश्चन उसके रिस्क फैक्टर्स हमने देखने हैं, उसे कौन कौन से इश्यूज इस वजह से हुए हैं। एक तो उनकी एज इंक्रीज होने की वजह से, दूसरा मेल के अंदर मोस्ट कॉमन है, फिर उसके बाद फैमिली हिस्ट्री के अंदर, उसकी फैमिली हिस्ट्री के अंदर सबको बाईपास मतलब हार्ट पेशेंट वगैरह डायबिटीज बीपी ये इश्यूज हैं तो उसे भी होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि उनके लाइफ स्टाइल के अंदर ही वो सब कुछ चीजें हैं, घर में वही सब कुछ सब खा रहे हैं, कोई डिफरेंट नहीं है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डाइट पे हूँ तो मैं डिफरेंट खाऊंगी, घर वाले सारे बिरयानी खा रहे होंगे, घर वाले सारे हर टाइम रोटी खा रहे होंगे, हर टाइम चाय पी रहे होंगे, तो मैं कहूँगी नहीं मैंने पोर्शन कंट्रोल करना है। तो स्पेशल लाइक फॉर एग्जाम्पल जब मैंने डाइट स्टार्ट की थी तो मैंने कहा नहीं मेरी ब्राउन ओब रोटी आए घर में, व्हाइट जिसने खाने वो व्हाइट खाए, मैंने ब्राउन खानी है। अब यहाँ पे डिफरेंट आया ना, अब मैं कहूँगी मैंने चाय दो पत्ती नहीं पीनी, मैं अपनी चाय अलग बनाऊंगी। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा अपने आप पर फोकस करना पड़ता है, लेकिन आप अपने आप को हेल्दी कर रहे हो तो आपका पहला स्टेप इतना होता है। जब आप इंक्रीज करना शुरू होते हो आप यहाँ तक चले जाते हो, और फिर आपको जो जिंदगी आपकी इतनी थी ना वो आपको इतनी मिलना शुरू हो जाती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप एक्टिव हो जाते हो, आपको दिल करता है मैं ये भी पहनूं, मैं ये भी करूं, मैं ये भी खेलूं, मैं ये भी खाऊं। लेकिन जब आप बाहर जाओगे, मैं पहले होटलिंग करती थी तो मुझे हर चीज खा लेती थी ऐसे कि अब ये भी खाती हूँ बूफे पर जाकर। लेकिन अब मैं कहती हूँ कि मैंने ये टेस्ट करना है। अब जब टेस्ट की बात आ रही थी ना, माइंड यहाँ से कहता है मैंने टेस्ट करना है, तो ऑटोमेटिक इंसान बस इतना ही खाता है। जो इंसान पहले इतना खाता रहता है तो वो जब इतने पे आ जाता है ना वो हैप्पी होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई पेशेंट आती है तो वो मुझे कहती है कि मैं खाना नहीं खाती, बस मेरा वेट गेन हो गया। अब वो मेरे मुंह झूठ बोल रही है मुझे, मैंने उसकी असेसमेंट कैसे करनी है? मैंने अपने टेबल के ऊपर मैंने प्लेट्स रख देनी है, ठीक है? अब उसने मेरे सामने झूठ भी नहीं बोल सकती। असेसमेंट के लिए एक बड़ी प्लेट रख दूंगी, एक मीडियम रख दूंगी, एक स्मॉल रख दूंगी। मैं उसे पूछूंगी अच्छा आपकी रूटीन अच्छा ये ऐसे या ठीक हो गया, मैं कहा उसमें से आप कौन सी प्लेट ज्यादा यूज करती हो? अब वो मुझे कहे कि मैं समटाइम ये भी यूज बड़ी भी यूज करती हूँ, छोटी भी यूज करती हूँ, वो स्मॉल पे कभी नहीं आएगी। उसके पहले फिंगर कहाँ पे होगा? लार्ज प्लेट के ऊपर, ठीक है? वहां से मैं सिर्फ पकड़ा गया उसका झूठ कि वो यहाँ पे अपनी फिंगर उसने पहले यही बोल लिया। अब जो इंसान इतने से इतना हुआ है तो उसने खा के इतना वेट गेन किया है ना, ऐसा तो नहीं किया होगा। अब ये अलग बात है कि मुझे ये मसला था घर में, ये मसले थे तो इसलिए ये सब कुछ हो गया। वो सारे एक्सक्यूज होते हैं, वो सारे आपके मसले ही होते हैं जो आपको यहाँ से यहाँ तक कर देते हैं, ठीक हो गया? जब उनकी लार्ज प्लेट से हम लोग हटा देंगे, मैं लार्ज प्लेट पीछे कर देती हूँ, मैं कहा आप मीडियम पे आ जाओ। मैं कहूँ देखो आप मीडियम पे आओगी ना, जो आपकी साइज है आपका बॉडी का, मतलब अगर आप कपड़े वगैरह लेने जाते हो वो लाल लार्ज मिलते हैं ना, अब आपको स्मॉल मिलेंगे। वो कहेगी हाँ कैसे? मैं कहूँगी आपने अपना वेट लूज करना है, आपने ये प्लेट यूज करनी है, आप ये खाती रहोगे, आप मीडियम में आ जाओगी। वो हैप्पी होगी, वो कहती है अच्छा बड़ी बात है, डॉक्टर किला ने मुझे ये चीज कही है तो मैं फॉलो करूंगी। हमने पेशेंट को डिसहार्ट भी नहीं करना, डिग्रेड भी नहीं करना, हमने एक अच्छे माहौल में उनकी इंसल्ट भी करनी है, उनको समझाना भी है। अब उसका झूठ पकड़ा गया तो मैंने उसकी इंसल्ट किस तरह किया? मैं सोचूंगी अब इतना खाती रही हो ना छोड़ दें, आप इतना खाना शुरू कर दें आप तो प्यारी हो जाएंगे, आप बहुत प्यारी लगोगी। अब वो कुछ समय लग गया, मैं इनको प्यारी नहीं लग रही, मैं इनको अच्छी नहीं लग रही, अब उन्होंने मुझे कहा हो जाओगी, ठीक हो? अब हमने मीठी मीठी उनकी इंसल्ट भी करनी है ताकि उनके यहाँ पर ना लगे, उनके दिल पे लगे। कहते ना दिल पे जो बाल लगती है वो देर तक याद रहती है, इसी तरह हम लोगों ने उनके पोषण कंट्रोल करना है। फिर मैं उसे कहूंगी वो एक ऐसा वक्त आएगा फॉलो अप के लिए दोबारा, मैं कहूँगी मीडियम हटा दे स्मॉल रखें। अल्लाह ताला ने हम लोगों के पोषण किस तरह कंट्रोल किया है, हमारे हाथों के कंट्रोल किए हुए, हमने इतनी टी स्पून यूज करनी, इतनी टेबल स्पून यूज करनी है, हम लोगों ने इतनी प्लेट यूज करनी है जितना हमारे हाथ का साइज है, हम लोगों ने इतनी कोली यूज करनी है, इतना ग्लास पानी पीना है, ठीक हो गया? आसानी से अगर मेरे पास फ्री मेडिकल कैंप में लोग आते हैं ना पूछने के लिए हम लोग किस तरह खाया करें, तो मैं उनको कहती हूँ कि आपने एक गिलास पानी पीना जितना आपका हाथ है, ठीक है? आपने इतना पानी एक गिलास एक घंटे बाद पीना है, आपने इतनी प्लेट दिन में यूज करनी है, उसके अंदर जितना मर्जी रोटी चावल जो मर्जी डाल लो, सैलड डाल लो, चिकन डाल लो, इतना आपके हाथ जितना हो जाएगा। फिर आपने जब भी आपने चीनी वगैरह यूज करनी है आपने इतनी टी स्पून यूज करनी है, टेबल स्पून अगर आपने कोई चिया सीड हो गए सीड यूज करने वो टेबल स्पून के अंदर फॉर्म में यूज करने हैं, ठीक है? कैसा लगा ये आपको चीजें, ये पता नहीं पहले आप लोगों को? बच्चों बोले
गुड हो गया। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को न्यू भी इंफॉर्मेशन दूंगी इंशाल्लाह, ठीक है। ये चीजें हम लोग सीखते हैं अपने सीनियर टीचर से सीखते हैं, प्रोफेसर से सीखते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर से सीखते हैं, डीपीडी वालों से सीखते हैं, हर किसी से सीखना चाहिए आप लोगों को, ठीक हो गया। इस तरह आप आसानी से हर किसी को भी मीठी मीठी बेइज्जती कर सकते हैं और मीठे मीठे तरीके से हम उनको बता सकते हैं, ठीक है। डिसाइड नहीं करना, किसी की बदवा नहीं लेनी उसी टाइम बैठ कर। जो लोग हेल्दी होते हैं ना वो बड़े डिसाइड होते हैं, उसी टाइम उनके मुंह में जो बात आई वो बोल देते हैं, और फिर वो किसी भी टाइम दुआ का टाइम भी हो सकता है वो हमें उल्टी लग जाए। तो इसलिए अपना भी केयर करनी है, अपने फ्यूचर की भी केयर करनी है। और इज्जत और रिजक अल्लाह ताला ने देना, इंसानों ने आपको बिल्कुल नहीं देना। डिसार नहीं होना, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां खुद पैदा करता है। अब जिस पर्सन को कार्डियोवैस्कुलर मतलब उसके रिस्क फैक्टर इतने ज्यादा है, एक उसकी एज इंक्रीज हो रही है, वो कंट्रोल ना करने की वजह से वो डिजीज हो गई, उसकी फैमिली में ये इशू है तो इसे होगा। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे मामा पापा को शुगर है तो मुझे भी होगी अगर मैं ये सब कुछ खाती रही जो मामा पापा खा रहे हैं, जो खाते रहे हैं घर में, जो लाइफस्टाइल था मैंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, मुझे नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैंने कहा कि नहीं मुझे डायबिटीज नहीं होनी चाहिए, मुझे बीपी का इशू नहीं होना चाहिए, मुझे मेडिसिन नहीं टेक करनी, मैंने हेल्दी रहना। जब मैं ये चीज़ें सोचूंगी ना, मैं हेल्दी रहना, मैं एक्टिव रहना, तो ऑटोमेटिक मैं ये चीज़ें छोड़ दूंगी। मैं वो अपना डाइट प्लान खुद करती हूँ, खुद करके मैं एक्टिव रहती हूँ, खुद फिजिकल एक्टिविटी करती हूँ। जब टाइम नहीं मिला तो कोई बात नहीं, एक दिन भूल सकते हो एक्सरसाइज, अगले दिन नहीं भूल सकते हो। इसका मतलब है कि आपने आज नहीं तो कल करनी है, कल नहीं की तो आपका मतलब मैंने कभी नहीं करनी। फिर आप इतने थे ना, फिर इतने होना शुरू हो जाओगे, ठीक हो गया। और उसके बाद आप बीपी का इशू होगा, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज मोस्ट कॉमन उनका बीपी हाई रहने के इश्यूज की वजह से भी उनका हार्ट को इश्यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। बीपी का इशू हमारे ब्लड के अंदर होता है, अगर हमारे ब्लड से एक तरीके से सर्कुलेशन नहीं करेगा तो हमारा वो इश्यूज और इंक्रीज होते रहेंगे। डायबिटीज का इशू होगा, फिर उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल मीन के उनका HDL और LDL का इशू होगा, फिर उनका ऑबेस मतलब उनका वेट ज्यादा होने की वजह से भी इनको ये इश्यूज इंक्रीज होते रहेंगे। अब उनके असेसमेंट के बीच में सारी चीजें हम लोग देख लेंगे, यहाँ पर टेस्ट भी आ जाएगा, इनकी मेजरमेंट्स भी आ जाएंगे, यहाँ पर इनकी फ्लूइड इंटेक भी आ जाएगा, यहाँ पे इनका इनके साइलेंट सिम्टम्स भी आ जाएंगे, और साथ हमें रिपोर्ट दिखा देंगे, साथ अपने डिस्क्रिप्शन पेज दिखा देंगे, ये डॉक्टर ने ये चीजें दी हुई हैं, मुझे ये मसले हैं। मेरे पास 5-6 कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के मेल हैं और एक फीमेल है, चेक करें। अब आपको पता चला ना फीमेल के अंदर कम इश्यूज होते हैं, मेल के अंदर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के ज्यादा इश्यूज होते हैं। मेल के अंदर हार्मोन डिस्टर्ब कम होते हैं, फीमेल के अंदर ज्यादा होते हैं, ठीक हो गया। और फिजिकल एक्टिविटी और अल्कोहल इंटेक ज्यादा करने की वजह से भी इसलिए कार्डियोवैस्कुलर डिजीज पे इश्यूज होते हैं, किनको? मेल को। अब इनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हमने लिपिड प्रोटीन देखने हैं कि इनके अंदर कितना ज्यादा लिपिड प्रोटीन है, HDL, LDL, बेटा मेरा LDL क्या होता है? What is LDL and what is HDL? Can you explain बेटा? इसके अंदर बेटा कॉमन इसके अंदर हिस्ट्री आ जाएगी, इसके अंदर हम लोग हिस्ट्री में देखेंगे उसका वेट, हाइट, एज क्या, इश्यूज क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग उनके कैलिस निकाल लेंगे, फिर उनके अकॉर्डिंग उनके एक्सटेंशन लिस्ट बनाएंगे, फिर उनका डाइट प्लान बनाएंगे, ठीक है। लाइफस्टाइल भी चेंज करेंगे रिकमेंडेशंस के अंदर। आप लोगों को मैंने फॉर्म सेंड किया 3-4